एल्बम आ रही क्रेजी बालम, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, थोड़ा बहुत बताइए इस बारे में। या इज इट एल्बम? ओके, क्रेजी बालम मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया है ये गाना, अभिजीत जी की कॉम्पोजिशन है एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। मयूर मयंक जी ने लिखा है इस गाने को और ये प्रोड्यूसर भी हैं, तो इनमें दो खूबियां हैं। आई थिंक दो खूबियों से ज़्यादा भी बहुत सारी खूबियां दिख रही हैं आप में। सो क्रेजी बालम इट्स जस्ट लाइक अ मैड सॉन्ग, और जैसे ही ये इस गाने का जैसा नाम है वैसा ही काम है। सो जब ये गाना बाहर आएगा, सो आई एम श्योर अबाउट इट कि जलेबी बाई से भी बड़ा हिट होगा। और गाने में कितना मज़ा आया आपको, क्योंकि जो इसके लिरिक्स हैं इसके बहुत मज़ेदार हैं, गाते गाते आप खो गई थी उस उस दिन में? मैं खो ही नहीं थी, मैं डांस करती रहती हूँ, यू नो जब भी कुछ इस तरह का गाना होता है तो आई एंजॉय एंड आई डांस, यू नो मैं हमेशा खो जाती हूँ। और कोई भी गाना होता है तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो उसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए, और जब तक वो आप गाने में खोते नहीं हैं, आप उस गाने को यू नो आप उस गाने में ढलते नहीं हैं, तो वो गाना आप अच्छे तरीके से नहीं गा पाते। अभिजीत जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो मेल का था वो आपने किंग जी से सिंगिंग करवाई, तो आपके दिमाग में रितु जी का नाम ऐसा कुछ मतलब? जी, जब ये गाना कंपोज कर रहा था मैं, तभी मेरे दिमाग में फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस था रितु जी के, कि रितु जी ये गाना गाएंगे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ रितु जी का कि इन्होंने अभी गाया है। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को जब ये मार्केट में आएगा। एंड अभिजीत ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, और जो इस गाने की प्रोग्रामिंग हुई है मतलब इसमें काफ़ी लाइव किया है ना, मतलब हारमोनियम्स वगैरह इतने अच्छे नोट्स लगे हैं और बहुत ब्यूटीफुल कंपोज किया है। एल्बम में सिंगल एल्बम है या और भी गाने हैं ये एल्बम? नहीं, ये सिंगल एल्बम है, फोक बेस्ड है, अपनी कंपोजिशन जो है फोक बेस्ड है। इट्स एन आइटम सॉन्ग, बट आइटम को लेके यू नो काफी सुरीला आइटम सॉन्ग है। आपसे जानना चाहेंगे जो लिरिक्स लिखे हैं आपने, क्या थीम है, किस तरीके से, क्या जहन में रखे आपने लिखाई है? कोई चीज़ मैं मतलब ऑलरेडी पहले से मैं सोच के कुछ नहीं लिखता हूँ, बस अभी आजकल जैसे चल रहे हैं आइटम सॉन्ग चल रहे हैं, तो बैठ के मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा लिखूं कि मार्केट में अच्छा हो, और मैंने फिर लिखा उसको। अभी जी आपने बोला फोक बेस्ड है, तो क्या है इसमें, क्या अलग ये है? तो एक फोक बेस्ड, लेकिन हम लोगों ने इसको कंट्री काइंड ऑफ म्यूजिक है ये जॉनर, तो उसमें इसको ढाला है क्योंकि थोड़ा मॉडर्न हम लोगों को करना था, और कोशिश की है अभी क्या होता है, अब देखिए अच्छा ही होगा। तो आप गाने की बात करी जाए आइटम सॉन्ग्स जैसे सिंगल में और फिल्म्स में बहुत चल रहे हैं, तो आपको लगता है ये ट्रेंड कितना आगे चलेगा, और या इसी पे फिल्म्स या सिंगल जो अभी एक एक सिंगल सॉन्ग चलता है, आप व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए जब तक चल रहा है, जब तक लोग इंजॉय कर रहे हैं, और लोगों का तो ऐसा है कि इंटरटेन करने के लिए है ये सब चीज़ें, तो और आजकल लोगों का यही होता है कि जब वो घर पे आते हैं स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, और स्ट्रेस को अगर रिलीज़ करना है तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आइटम सॉन्ग सुन लो और डांस कर लो, अपना मूड फ्रेश कर लो, तो सबसे अच्छा यही है कि तो सिंगल्स की जहाँ तक बात है, तो मेरा मानना यही है कि जब तक लोगों को अच्छी लग रही है चीज़, लेकिन वही होता है कि हर तरह की ऑडियंस होती है, कि आज जो लव सॉन्ग का जॉनर है या क्लासिकल बेस्ड जो सॉन्ग्स होते हैं उसकी ऑडियंस अलग है, लेकिन ये ट्रेंड कब तक चलता है लेट्स ऑडियंस डिसाइड, क्योंकि आइटम सॉन्ग्स अभी बीच में जो आए थे फेविकॉल से या जलेबी बाई, तो अभी रिमिक्सेस का ज़माना आ गया है, तो कुछ दिन तक वो रहेगा, अभी हो सकता है शायद कुछ और चले, तो ये टाइम टाइम की बात है, वक्त वक्त की बात है। अभी जी चलते चलते गाने आपने कंपोज किया तो जी गा रही हैं अभी, तो एक लाइन आप सुना देते तो जी ज्वाइन कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये गाना 6-8 में है, और इस रितु जी ऑलरेडी एक मोस्ट पॉपुलर सिंगर हैं, और एक गाना बहुत इनका हिट है बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जैसे गंदी बात, वो भी 6-8 में ही है, तो हम लोगों ने ये सोच के बनाया था। और ऐसा कुछ नहीं है, रिसेंटली कौन सा इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने, उन्होंने का भी फतवा जारी किया, नाहिद आफरीन का नाम है, इंडियन आइडल की क्रिकेट, उन्होंने भजन गाया था एज अ, पर वो मुस्लिम है, तो उन्होंने उनके खिलाफ मौलवी लोग ने फतवा जारी कर दिया। अच्छा अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट ने गाया था पहले भी, तो ऐसा कुछ रोक नहीं रहा, तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, और ये इसमें जात धर्म तो है ही नहीं, जात धर्म तो है ही नहीं है, संगीत तो संगीत है, और
ये सब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. संगीत सबका है. बिल्कुल. तो एक बाउंड्री होना चाहिए या बिल्कुल नहीं, बाउंड्री बिल्कुल बाउंड्री नहीं होती, क्या मानना है? ऑफ कोर्स सिंगर्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती. ईश्वर, अल्लाह, राम, सब 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 धर्म, सब इसमें किसी का कोई नहीं है. और इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है. संगीत सबके लिए है और सबके लिए होता है. सिंगिंग स्माइल एवरीवन. एक सेकेंड है, बोल रहा हूँ. वेट सुन लो. या स्टेडियम मैम सामने अभी मैम यो ऑल ऑफ यू राइट जस्ट स्टेडियम ऑल ऑफ यू मैम सर थैंक यू.